वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा पार्टी के सत्ता में आने का दावा किया। हल्द्वानी में सुरेश भट्ट ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पूरी तरह से उत्तराखंड को मिल रहा है। बीजेपी संगठन पहले से अधिक मजबूत होकर जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के मुकाबले कोई अन्य नहीं है, माफ कीजिएगा, आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो वहां पर पार्टी के मुकाबले के आगे कोई अन्य नहीं है। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ जीत हासिल कर सत्ता में आने का दावा किया है। बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी है, लगातार बीजेपी में संगठन 365 दिन काम करने वाले संगठन के रूप में काम करता है, इसलिए बीजेपी को चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। स्वाभाविक है, लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था है, उसके अंदर सभी राजनीतिक दलों को अपनी अपनी सहभागिता करने का और काम करने का उनको अवसर मिलता है, करते हैं। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर को और मजबूत करते हुए हम 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उसको मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उन नीतियों को कार्यकर्ता के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाकर 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम एक तरह से तैयार हैं।